Alright, people. A very very good afternoon to my lovely set of students here. Yana Jen, you are new to my class. Good afternoon, darling. Sharmeen Tanvi, very good afternoon, Bacha, Namrata, mm, Iram Fatima, Lakshmi. It is so good to see you all regularly. I hope your preparation has been going on with a full Josh positivity and a confidence. एंड एफन कि भाई हमारी सिलेक्शन नहीं होगी तो भला किसकी होगी नीट प्रिपेयर भाई शिवा अपना नाम बड़ा कर दिया है तुमने ये ठीक बात नहीं है है ना योगी शाह रकीब आलम रकीब योर न्यू टू माई क्लास ब्यूटिफुल नेम वेलकम टू द फैमिली मानसी श्रद्धा त्यागी इज सना जया पटेल गुड आफ्टरनून भाई बहुत बहुत नमस्ते गुड आफ्टरनून लॉट्स ऑफ लव हग्स ब्लेसिंग्स जो भी आपको चाहिए बस पढ़ते रहने के लिए अगर कहीं पे कोई भी अंदेशा हो डाउट हो कि भाई मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी आई एम नॉट गुड इनाफ आई एम एंशियस देर इज सो मेनी देर आर सो मेनी न्यूज़ डूइंग द राउंडस कि भैया डेट अनाउंस हो गई है मैंने पिछले हफ्ते ही एक अपने चैनल पे शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने आपको क्योंकि मुझे अंदेशा हो गया था अभी न्यूज़ रिलीज होने से पहले ही कि एग्जाम मई में, में होगा तो शॉर्ट में मैंने आपको यही एक रिमाइंडर दिया था एक अलार्म बजाया था कि भैया मई में, में एग्जाम होगा तो गिन चुन के अपने पास छह महीने बचे हैं और शुरू हो जाओ लग जाओ क्योंकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं ना बच्चों तो एक महीना प्रैक्टिकल्स और स्कूल वाले बड़ा परेशान करते हैं अब ये पेपर भरो अब ये प्रैक्टिकल दो <coughs> अब इस क्लास में आओ अब उस क्लास में आओ सो so, बच्चों आ, वही हुआ आई हैड अनाउंस्ड अ वीक बैक और uh, कल परसों न्यूज आई कि इट इज़ एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे अच्छा अब इस दौरान ना स्टार्टिंग फ्राम नवम्बर दिसंबर जनवरी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है इट इज़ क्वाइट बैड कि मीडिया रिलीजज न्यूज़ एवरी डे और उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना करें खुद को अपनी तैयारी में लगे रहें देखो जब ऑफिशियल एन का सर्कुलर आएगा और जब आपको एक्चुअल फॉर्म भरना होगा जब आपको एक्चुअल एप्लीकेशन भरनी होगी उसके लिए तो मैं बता दूंगी ना आपको आई बी टू अनाउंस ना उसके अलावा क्या हो सकता है ये ये हुआ होगा ये होना है इस सब में मत पड़ो यार इट इज वेरी 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 डिस्ट्रैक्टिंग सो दिस इज द बैड पार्ट ऑफ द डिजिटल मीडिया सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट शिवा ने अपना नाम uh, छोटा कर लिया या सो so स्वीट चलो तो आज ना हमारा पहला क्लास है रणनीति में हमने प्लांट किंगडम क्वाइट सक्सेसफुली एंड नाइसली कंप्लीट किया मुझे बहुत फीडबैक मिल रही है आप लोगों से कि यू आर रियली रियली बेनिफिटिंग फ्रॉम दी रणनीति नीति सीरीज़ एंड आई एम सो ग्लैड पता ही था व्हेन वी लॉन्च दिस सीरीज़ हमें बिल्कुल मालूम था जहन में एकदम दिमाग के डीपेस्ट पार्ट्स में मालूम था कि दिस सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर एवरी नीट एस्पिरेंट इन द कंट्री है ना सो आकाश पैजूज नीट इज डूइंग दिस की रणनीति सीरीज एक्सक्लूसिवली ना इससे पहले किसी ने की है और ना ये अभी कोई कर रहा है है ना उसके बाद तो कॉपी हो ही जाता है एक बार जब लॉन्च हो जाता है तो यू गाइज आर वेरी लकी एंड यू गाइज हैव टेकन अ वेरी वाइज डिसीजन टू बी अ पार्ट ऑफ बायोगी रणनीति सीरीज यू शुड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ बायोगी रणनीति एक तो आकाश बाईजूज नीट का टेलीग्राम ग्रुप है और एक बायोगी रणनीति का अलग टेलीग्राम ग्रुप है मैंने उसमें अभी पोस्ट किया है है ना तो उसमें सचिन सर भी हैं और मैं भी हूं उस ग्रुप के बिल्कुल पार्ट रही है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सर कैन ब्रिंग अ सरप्राइज सेशन फॉर यू और आई कैन ब्रिंग अ सरप्राइज सेशन फॉर यू है ना तो यू डोंट वांट टू मिस एनी सेशन क्योंकि बायो की रणनीति इज एक्चुअली अ टॉपर्स बैच देर इज नो लेस और मोर कमिंग आउट ऑफ दिस सीरीज कि ना तो आपके नंबर इसमें कम हो सकते हैं शत प्रतिशत हंड्रेड परसेंट से और ज़्यादा का तो सवाल उठता नहीं है हंसराज राजकुमार नाश्रा ओके सो पीपल शेयर दिस विद एवरीबडी इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल हु आर सो कॉन्शियस एंड अवेयर अबाउट देर एम्स फॉर एग्जाम्पल राजकुमार फॉर एग्जाम्पल सना फॉर एग्जाम्पल श्रद्धा फॉर एग्जाम्पल सो मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली टेकिंग दिस डिसीजन टू बी एसोसिएटेड विद मी

भारत बेटा भारत आपका इतना अच्छा नाम है क्यों नहीं आप उस नाम को लिख लेते हो है ना चलो सो शेयर दिस सेशन विद एवरीबडी इसके अलावा वी हैव सो मेनी सीरीज रनिंग ऑन द चैनल विद योर फेवरेट टीचर्स आपके सारे टीचर्स सारे सब्जेक्ट्स के कोई फिजिक्स uh, की रणनीति भी चल रही है केमिस्ट्री का भी बैच चल रहा है वी आर इन अ फुल गेड पोजिशन राइट नाउ ऑल द टीचर्स आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आ रहे हैं जो आपकी सिलेबस रेगुलर सिलेबस वाली सीरीज है वो आपकी मिशन एमबीबीएस सीरीज है उसकी क्लास है जैसे अभी आज मैं पाँच बजे लाइव आऊंगी जिसमें मैं, मैं ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स करवा रही हूँ और वो चैप्टर दुनिया में किसी को समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ उस क्लास को अटेंड कीजिए मिस मत कीजिए यू कैन नॉट मिस वन क्लास एंड अटेंड द नेक्स्ट इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक सेंस इज दैट क्लियर पीपल अच्छा उसके अलावा हमने रैंकर्स या क्रिटिकल सेशंस भी लॉन्च किए हैं क्या लॉन्च किया है रैंकर्स और क्रिटिकल सेशंस जो आज तीन बजे लाइव होगा जिसमें मैं एन के डायग्राम से क्वेश्चन करवा रही हूँ पाँच नवम्बर से एंथी का एग्जाम शुरू हो जाएगा अभी भी आप रजिस्टर कर सकते हैं इफ़ यू हैव रजिस्टर्ड लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ध्वनि राकेब पाखी

क्लास इलेवेंथ यू क्लिक ऑन बॉटनी यू विल फाइंड कि कितने अच्छे से जैसे लाइब्रेरी में बुक्स स्टैक्ड होती हैं उस तरह से हमने सेशंस को स्टैक कर दिया है इसी एक ही आपको बंडल uh, में मैम का लेक्चर भी मिल रहा है मैम का डीपीपी भी मिल रहा है और एनोटेटेड सेशन नोट्स मतलब जो मैं हाथ से लिखती हूँ वो भी आपको मिल रहा है सो वी आर डूइंग एवरी थिंग पॉसिबल टू हेल्प यू इसके अलावा इफ़ यू एक्सपेक्ट एनी थिंग एल्स फ्राम आकाश बाइजूज नीड इफ़ यू वॉन्टेज टू डू एनी थिंग टू हेल्प यू टू सर्व यू बेटर लेटर्स नो इन द स्टूडेंट सर्वे फॉर्म इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसको क्लिक करो उसमें आप अपने दिलों दिमाग की कोई भी बात बोल सकते हो कि यार मैं चाहता हूँ मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ माई यूनिक आइडिया आई वुड लाइक द चैनल टू कंसिडर दिस आइडिया विल सिट द टीम एंड कैलिब्रेट ऑन वॉट एवर यू आर सी हाँ आजकल बारिश बहुत हो रही है गर्मी ज्यादा है दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा ये सब नहीं लिखना है, है ना उसका मैं चाह कर भी कुछ नहीं करूंगी ओके okay? चलिए टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करके रखोगे तो इस तरह के सवाल सॉल्व हो जाएंगे कि भैया फिज़िक्स uh, की क्लास कब होती है जोलॉजी की कब होती है सारे का सारा स्कड्यूल रोज़ टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाता है पोस्ट किया जाता है विदाउट फेल संडे हो मंडे हो मास पे हो प्लूटो पे हो कहाँ कहीं पे भी टीम हो दे मेक इट अ पॉइंट टू पोस्ट सुबह सुबह आपके उठने से पहले ही आपको स्कड्यूल मिल जाता है तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें लास्टली आई एम टेलिंग यू दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीडेंस जॉय एंड प्लेजर एंड लक टू बी अ पार्ट ऑफ please प्लीज शेयर session विद everybody हिट द लाइक बटन अगर आप बातों में भूल जाते हैं भरतपाल ये नीट तक चलेगी यार क्या होने वाला है क्या हो गया इसके बारे में मत सोचा करो जो हो रहा है उस पर ध्यान दिया करो लाइफ बी मच सॉर्टेड ये सीरीज नीट के एग्जाम तक चलेगी डोंट वरी एट ऑल इसको सबके साथ लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड वॉट एवर यू हैव टू टॉक टू अस एनी काइंड ऑफ फीडबैक यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी क्लासेस फ्रॉम अस कुल तो मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में अपन पढ़ते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इतना तो पता ही है जिसको मेरे डिटेल्ड क्लासेस देखने हैं किसी भी चैप्टर के डिटेल सेशंस देखने हैं अगेन गो टू द स्मार्ट प्लेलिस्ट वहां पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स का चैप्टर हो चुका है गुड टेन इलेवन क्लासेज एलोंग विथ प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन मैंने करवाया है उस सेशन को जाके यू कैन वॉच एनी लेक्चर जिसमें आई गो लिटिल बिट आउटसाइड एनसीआर है ना लेकिन ये जो बायो की रणनीति है इट इज अबाउट इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर एक्सटर्नल फॉर्म मतलब बाहर से ऑब्जर्वेशनल करने से आपको बॉडी कैसी दिखती है प्लांट कैसा दिखता है सो वी नो देर इज अ underground portion which is the root system and there is the aerial portion which is the shoot system आप ये देखो कि कोई भी chapter का जब आप पहला class करते हो है ना चाहे वो मैं किसी भी series में पढ़ा रही हूँ syllabus तो same है मैं भी same हूँ you will find me that I'm laying a foundation of the chapter okay so first class is extremely important फटाफट शेयर कर दो सबके साथ अब फाउंडेशन में आपको क्या जानना जरूरी है भाई साहब फाउंडेशन का मतलब होता है नीव का मतलब होता है सबसे पहले जानो इसकी जो लॉजिकल क्वेंच है जो इसकी लॉजिकल प्यास है ब्रेन की उसको पूरा करो कि मैं ये पढ़ क्यों रहा हूँ एंड वॉट आर द और द बेसिक टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस क्योंकि वही टर्म्स बार 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 अप्लाई होंगी फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू कि शूट और स्टेम में फर्क होता है when when I I say say shoot system and when I say stem, they are two entirely different things, although Janta uses it synonymously. बाकी सारे parts जो एरियल हैं बोले तो लीफ हो गए बोले तो स्टेम की ब्रांचेस हो गई रिप्रोडक्टिव फेज में आने वाले फ्लावर्स हो गए भैया फ्रूट्स हो गए ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं जब ये स्टेम सपोर्ट करती है तो उसको बोल देते हैं शूट सिस्टम आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे रूट सिस्टम के बारे में विच इज द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द प्लांट सही बात है सो so, हमने रूट क्या होती है उसकी फाउंडेशन ले करना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना ये सब मिशन एमबीबीएस क्लासेस में किया है लेकिन एनसीईआरटी हमें यह बताती है कम शब्दों में ज्यादा बात कर देती है कि इन मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स डाय बायो में ना कभी भी बायो क्या पूरी साइंस में हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ी ज्यादा कंफर्मेटरी होता है बायो में ओइंग टू द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट दिस सब्जेक्ट डील्स विद यू विल ऑलवेज लिसन टू दर्ड मोस्टली मेजोरिटी इट विल नेवर पुट अ स्टैम्प दैट इट ऑलवेज है लिविंग ऑर्गेनिजम है वो एक्सेप्शन दिखाते ही दिखाते हैं सो इन मेजोरिटी ज्यादातर डायकॉट प्लांट्स में हमने एक प्लांट किंगडम में यह पढ़ा कि एंजस्पर्म्स आर डिडेड इन टू डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटलिडन इन द सीड्स द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इन साइड द सॉयल तो ये जो बात है ना इसी को ही अब हम उधेड़ेंगे वी विल डाइसेक्ट इट एंड अंडरस्टैंड शी शी इज इज ट्राइंग टू टेल भाई डाइसे में ये जो सीड है ठीक है जब ये जर्मिनेट होता है तो उसमें से एक अलोंगेशन निकलती है जिसकी फितरत है जिसकी आदत है कि वो ग्राउंड में ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है और जब ये रेडिकल ग्रो करता है सॉयल में तो ये जो मोटी और सबसे लंबी रूट बनती है है ना इसको बोला जाता है प्राइमरी या फिर मदर रूट प्राइमरी या फिर मदर रूट मदर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रूट अकेली तो हाँ ठीक है ये सबसे लंबी है सबसे ज्यादा डेप्थ में जाएगी सबसे ज्यादा थिक है लेकिन इट विल गिव राइज टू ब्रांचेस ऑफ वेरियस ऑर्डर्स बोले तो दिस

They are all working together, so this is called as tap root system. Tap root system. That is what she's trying to tell us that tap root is not a singular root. Tap root is not a singular root. Tap root is always a system of roots of unequal lengths. Why am I telling you? Because this is a differentiating feature between tap root and the other kinds of root which are fibrous and adventitious. with me on this, yeah, you will be as we go further. now, once again, we'll read in majority of the dicots, the direct elongation of the radical. yigahabhai, radical to radical. question number one. radical doesn't give rise to all kinds of root on this planet. radical. गिव राइज टू प्राइमरी रूट हुट एग्जाम इफ यू अगर लाइक नहीं किया है सेशन तो लाइक कर दो तुम भी जानते हो कि यह लाइक करने लायक सेशन है, है ना प्लीज लाइक द सेशन और फिर सुनो आई एम टेलिंग यू द प्रसिशन ऑफ कॉन्सेप्ट नीट में वही जीतता है जिसने बारीकी से चीजों को समझा होता है रार्टिकल डज नॉट गिव राइज टू जस्ट एनी काइंड ऑफ रूट नो रेडिकल गिवस राइस टू प्रिसाइजली प्राइमरी रूट एंड प्राइमरी रूट का कॉन्सेप्ट होता ही सिर्फ टैप रूट में प्राइमरी रूट का कॉन्सेप्ट सिर्फ टैप रूट में होता है इट बेज लैटर यानी कि उसके साइड से लैटरल बोले तो साइड से आने वाली ऑफ सेवरल ऑर्डर ऑर्डर का मतलब फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री दैट आर रेफर टू एज सेकेंडरी टर्शरी रूट एटसेट्रा है ना सेकेंडरी रूट आई प्राइमरी से छोटी और पतली और ज्यादा साइड में फैली हुई प्राइमरी रूट डेप्थ में फैली हुई यह मतलब है राइट सेकेंड थिंग द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस पीपल स्टॉप फोकसिंग ऑन द बॉक्स बिकॉज जो मैं बता रही हूं यहां पे दैट इज गोइंग टू मेक योर फ्यूचर द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम

इन मोनोकॉर्टलिडनस प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्टलिफ्ट सुनो ध्यान से वो ये बोल रहा है कि वो वाले प्लांट्स जिनमें वो वाले प्लांट्स जिनमें एक ही कॉटलिडन है यानी कि मोनोकॉट्स जो होते हैं एंजिसम्स उसमें रेडिकल आया बट इट डिस इंटीग्रेट्स डिस इंटीग्रेट्स यानी कि ये एलोंगेट होकर प्राइमरी रूट बनाने नहीं वाला है दैट इज इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रीप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स तो अब अगर ये रेडिकल ने मदर रूट ही नहीं बनाई तो फिर कैसे आएगी सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट चक्कर पड़ गया ये तो तो अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं रेडिकल जो बनाने वाला था प्राइमरी रूट वो तो नहीं बनने वाली नाउ वॉटल है यहां पर ऊपर स्टेम आ जाएगी और स्टेम के बेस से बहुत सारी धागों जैसी इक्वल साइज रूट्स बन जाएंगी इसमें फर्क ये है कि दिस इज नॉट अ सिस्टम ऑफ रूट्स यहां पर हर एक रूट इंडिविजुअली काम कर रही है जैसे तुम्हारे बाल है राइट right? लड़कियां ये कर सकती हैं दिस इज हेयर नंबर वन दिस इज हेयर नंबर टू दिस इज हेयर नंबर थ्री ओके सो इस तरह से दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स वेयर एवरी हेयर इज एन इंडिविजुअल रूट देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मदर रूट गिविंग राइस टू सेकेंडरी रूट सेकेंडरी रूट गिविंग राइट टू लैटरल रूट्स आर वी टूगेदर दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम अब सुनो देर इज अ प्रॉब्लम इन दिस स्टेटमेंट व्हाट इज हैपनिंग इज ओरिजिन तो रेडिकल से ही था बट इट अपियर्स लाइक दे आर अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इट अपियर्स लाइक दे आर अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम समवेयर ह्योर क्यों क्योंकि जो ऊपर वाली आउट है सीड की विच इज प्ल्यूम्यूल वो स्टेम बना देगी और नीचे रेडिकल को तो मार दिया इसने तो ऐसा लगता है कि इट इज राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम और इस रूट को बोलते हैं रूट सिस्टम सीन इन वीट प्लांट आपके जितने भी सीरियल्स हैं आपके जितने भी सीरियल्स हैं उसमें आपको फाइब्रस रूट सिस्टम मिलेगा व्हीट प्लांट बिलोंग्स टू अ लार्ज फैमिली ऑफ मोनोकॉट्स कॉल्ड ग्रासेस पोएसी फैमिली पोएसी फैमिली तो ग्रास की फैमिली में आपको फाइबर मिलेगा ऑनिस्टली आई फील जब मैं स्टूडेंट uh, थी तो मैंने सिर्फ टैप रूट सिस्टम और एडवेंटेश रूट सिस्टम पढ़ा था फाइबरस रूट सिस्टम को हम एडवेंटेश रूट सिस्टम का ही पार्ट मानते थे ठीक है ना हमने ये पढ़ा था सीधी सी बात है डाईकॉट्स में टैप रूट सिस्टम होता है और मोनोकॉट्स में एडवेंटिशस रूट सिस्टम होता है लेकिन अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी ने थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करी है यहाँ पर हाँ तो आपको अगर पूछा जाएगा कि वीट में या मोनोकॉट्स में एक जेनेरिक क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा रूट सिस्टम होता है तो आप टिक करेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन कुछ दूसरे मोनोकॉट्स या डायकॉट्स में एडवेंटिशियस रूट सिस्टम आ सकता है अब वो यहां लिखता है सम प्लांट्स लाइक ग्रास ऑल्दो वीट इज ऑल्सो वीट ऑल्सो बिलोंग्स टू द ग्रास फैमिली बट ही मीन्स अदर ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल एंड कॉल्ड एज एडवेंटेश रूट्स अब क्या होता है यार अभी तक हमने ये पढ़ा कि मोनोकॉट्स में क्या होता है रेडिकल आया था बेचारा दुनिया में उसको जीने नहीं दिया उसको मार दिया गया और फिर बनी फाइब्रस रूट सिस्टम अब तो रेडिकल हो ही नहीं रहा है देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल तो एक्चुअली फाइब्रस रूट सिस्टम अराइजेज फ्रॉम रेडिकल बट एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का कुछ और ही चक्कर है उसका चक्कर ये है कि वो हमेशा स्टेम से अराइज करेगी स्टेम के पास जो नोड्स होते हैं जो नीचे वाले कुछ नोड्स होते हैं उनसे ये मैडम अराइज करती है दिखती ये फाइब्रस जैसी ही है यानी कि इट इज अ बंच ऑफ इक्वल साइज रूट्स इट इज अ बंच ऑफ इक्वल साइज रूट्स Is that clear to us? People, से जो क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस है वो है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है बैनियन ट्री लिखा हुआ है ग्रास लिखा हुआ है तो एडवेंटिशियस मार्क् करोगे मोनोकॉट्स पूछा हुआ है तो फाइब्रस मार्क करोगे और घर आ जाओगे आप ये सोचो कि आपको हो ना हो एनसीआरटी की एक एक लाइन को भगवान की आवाज समझकर फॉलो करना ठीक बात है तो ये हो गए तीन रूट सिस्टम्स। आगे चलते हैं एनसीआरटी क्या बोलती है एनसीआरटी ये बोलती है वेर इज द एनसीआरटी लाइन ओके की फंक्शंस ऑफ रूट प्राइमरी फंक्शंस होते हैं ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल एंड एनकरेज इड सपोर्ट ठीक है तो ये क्या करती है रूट इसके जो प्राइमरी फंक्शन है यानी कि इन रिप्लेसेबल फंक्शन है वो है कि एक तो यही है जो सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करेगी और कोई नहीं करेगा और दूसरा एनकरेज का मतलब होता है एक बेस बांध के रखना ठीक है होल्ड करके रखना तो ये पूरे के पूरे हवा एरियल वाले प्लांट को वो कितना बड़ा ट्री हो सपोज इट इट विल बी अ स्मॉल ग्रास सब प्लांट्स को सॉइल में बांध के रखने का काम इज कॉल्ड एंकरेज, विच इज डन ओनली बाय रूट्स अगर आपको किसी पेड़ को काटना है बहुत बड़े पेड़ को काटना है आप उसकी स्टेम को काट दोगे और रूट को नहीं निकालोगे तो वो दोबारा आ जाएगा वो दोबारा उग जाएगा सो इन इंग्लिश वी से अप रूटिंग अ ट्री वाई बिकॉज यू रिमूव द वेरी फाउंडेशन और बेस ऑफ द प्लांट इसके अलावा इट कैन स्टोर फूड मेटीरियल इट कैन सिंथिसाइज सबस्टांसिस वो सब मॉडिफिकेशन में आ जाता है अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम answers in the chat box people fatafat

तो जितने जितने लोगों ने डी मार्क किया है आपकी बात गलत है बिकॉज रेस्पिरेटरी रूट एग्जिस्ट इन नेचर हाँ अब हम देखते हैं रीजन ऑफ द रूट और जोन्स ऑफ द रूट पाखी दैट इज वाई यू आर अ पार्ट ऑफ दिस क्लास बेटा लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स कीप लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स दथिंग लाइक दैट जिस जब कभी लाइफ में तुम्हें ये लगे कि मुझे तो सब कुछ आता है आई एम द बेस्ट इन एनी एस्पेक्ट में सिर्फ नीट की तैयारी नहीं करी वेन एवर यू गेट द फीलिंग आई नो देर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग यू कैन नॉट नो इनफ इन लाइफ अबाउट एनी थिंग I tell you, huge experience. तो सोच के देखो अच्छा इसमें ना आपको नॉलेज होनी चाहिए रेस्पिरेटरी रूट की दैट इज वाई यू पीपल हैव डन दिस मिस्टेक डी खुद सोचो प्रोटेक्ट कैसे करेगी रूट है ना चलो देखते हैं अब ये जो रीजन ऑफ रूट या जोन ऑफ रूट है जोनेशन ऑफ रूट है एक्चुअल we तो मोफोलॉजी है इट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे आपका डायग्राम है वो जो एक पैराग्राफ है पेज के बिल्कुल ऊपर सुप्रीमली इंपॉर्टेंट लेट सी द रूट इज कवर्ड एट द्स सबसे पहले ये कोन है आइसक्रीम का कोन होता है कौन खाते हो आइसक्रीम का या ऑल ऑफ ऑफ इट आज मैं खाऊंगी अब वो जो कोन है उसमें हमेशा आप देखोगे कि टिप पे पुट एक्स्ट्रा पीस ऑफ पेपर और दे विल एक्स्ट्रा कोटिंग ऑफ चॉकलेट एट द टिप डू यू अग्री अब अगर इस आइसक्रीम कोन को मैं तुमसे छीन लूं और गिरा दूं, है ना मैंने भूषण को बोला लॉर्ड ऑफ आइसक्रीम ईटिंग बेटा यू विल फॉल सिक मेरे को दे दे एंड आई ड्रॉप इट बाय मिस्टेक मैं तो तो खुद खाने के लिए ले रही थी तो सबसे पहले वो जो टिप है ना वो टूटती है मानने वाली बात है या नहीं मानने वाली बात है या नहीं क्यों क्योंकि फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया अब यहां पे इस कॉनिकल रूट में भगवान को भी पता है कि एरिया कौन पे कम है तो यहां पे एपिक्स में एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर थिम्बल का मतलब होता है समथिंग लाइक दिस जैसे कैप होती है पेन की कैप होती है कॉल द रूट कैप इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि द एपिक्स ऑफ द रूट इज नॉट एंटायरली एट एपिक्स इट इज कवर्ड बाय रूट कैप अब इसका क्या फंक्शन होगा इट विल प्रोटेक्ट फंक्शन से अगर क्वेश्चन आ जाए इट विल प्रोटेक्ट द टेंडर एपिक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल क्योंकि रूट जब ग्राउंड में ग्रो कर रही है बच्चों तो वॉट इज द पोर्शन ऑफ द रूट विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल पार्टिकल्स बाबा इट इज द एपिक्स ऑफ द रूट तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने क्या दे दिया रूट कैप दे दी और यहां पे आपको मैंने मिशन एमबीबीएस क्लासेस में बताया लुब्रिकेशन भी होती है ठीक ला, 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 ला। है वो कह रहे हैं कि इसी के ही फ्यू मिलीमीटर्स मिलीमी जितना आपका नील है आपका जितना नाखून है दैट इज अ फ्यू मिलीमीटर्स एक या दो मिलीमीटर ऊपर इज द रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी अब दुनिया में जहां पे भी मेरिस्टमैटिक सेल्स होंगे मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी होगी वहां पे ग्रोथ होगी क्योंकि मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी और द रीजन ऑफ सेल डिविजन विल बी लाइक अ फैक्ट्री ऑफ न्यू सेल्स येस मैम जहां पे भी नए सेल्स बनेंगे वहां पे क्या होगा ग्रोथ होगा तो इसमें से एक इनडायरेक्ट सवाल आ जाता है विच इज द रीजन ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ इन रूट्स तो उसको हम यहां लिख देंगे अपनी अपनी एनसीआरटी में हम इसको ऐड कर लेंगे कोई इसमें तकल्लुफ ही नहीं है है ना द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल नाउ जितने लोग यहां पर ज्ञानी हैं अबाउट एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स उसमें अपन पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेरिस्टमैटिक सेल्स और वहां पे लॉजिक लगा के मैंने तुम्हें समझाया है

कि रूट कैप जैसे जैसे वो सॉयल में जाएगी बेचारी उसका तो एक्सीडेंट हो जाएगा उसका सर फूट जाएगा भाई सॉयल बैठी इतनी हार्श पार्टिकल्स वाली जब रूट ग्रो कर रही है तो उसका जो एपेक्स है वो टूट फट जाएगा तो उसको रीजनरेट कौन करेगा इट इज द मेरिस्टमैटिक सेल्स ओके और जो ऊपर वाला पार्ट है जो कोन का आइसक्रीम का ऊपर वाला पार्ट है वो भी वहां पे भी जो सेल्स हैं वो आएंगे आपके पास इसी रीजन से हेंस इट इज कंसिडर्ड एज द रीजन ऑफ ग्रोथ आर वी टूगेदर ऑन दिस कंप्लीटली नाइसली द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है मैम भाई अक्सर हम एनसीआरटी को खोद कर पढ़ते ही नहीं है और फिर हम कहते हैं कि नहीं यार ये बात तो गलत है कि पेपर एनसीआरटी से आता है टीचर्स भी गलत बोल रहे हैं एन भी बोल रही है जनों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है एनसीआरटी ढंग से पढ़ लो हम एन को भी रफा दफा कर देते हैं इट इज ऑलवेज अस हु डोंट नो हाउ टू रीड एन सी आर टी द प्रॉब्लम नेवर लाइज आउटसाइड इज वॉट यू हैव टू रियलाइज ओके चलो द सेल्स प्रोक्सीमे टू दिस रीजन केड़ा रीजन टिक एक्टिविटी प्रोक्सिमल वर्ड का मतलब होता है आसपास हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक स्ट्रक्चर को जब आप पढ़ते हैं चाहे वो लिवर का स्ट्रक्चर है चाहे वो हार्ट का स्ट्रक्चर है चाहे वो कॉकरोच की बॉडी है चाहे वो अर्थवॉर्म की बॉडी है चाहे वो खुद की बॉडी है भैया देयर इज अड एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू विच यू स्टडी द बॉडी पार्टस दिस इज द एक्सेस ऑफ द बॉडी ओके एक्सेस ऑफ द बॉडी पीपल तो मेरा जो पैर है मेरा जो एंकल है इट इज दूर फ्रॉम द मिड एक्सेस ऑफ माई बॉडी सो इट इज डिस्टल अगर आप लोगों ने जोलॉजी में स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है वो पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है डिस्टल बोन प्रॉक्सिमल बोन हा या ना वेन यू स्टडी द लोअर स्केलेटन द अपर स्केलेटन वेन यू वेन यू स्टडी द मेटा कापल एंड द कापल बोन्स when you study the scapula what is the one important word प्रोक्सिमल distal so ये रूट की जो एक्सेस है उसमें रूट एपिक्स हो गया दूर और ऊपर वाले पार्ट्स जो प्लांट की तरफ प्लांट की बॉडी की तरफ हैं, वो हो गए प्रॉक्सिमल तो द सेल्स प्रॉक्सिमल यानी कि इसके पास अंडर गो रैपिड एलोंगेशन नॉट डिविजन यानी कि यहां पर कोई नए सेल नहीं बनेंगे भैया वेरी गुड एग्जाम्पल साहिल चंद्र यू मेड मी वेरी हैप्पी इसने तो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दे दिया अमेजिंग सो प्राउड ऑफ यू ही सेड गाइज थिंक अबाउट द पीसीटी एंड डीसीटी इन नेफ्रॉन इन द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ग्लोमिरुलस से जो निकलने वाला है पीसीटी वो पास है एंड डिस्टल दूर है क्या एक्सेलेंट एग्जांपल सो व्हेन यू रिलेट कॉन्सेप्ट्स लाइक दिस व्हेन यू फॉरगेट द बाउंड्रीज ऑफ ऊ दिस इज जोअलॉजी आई कैन नॉट रिलेट टू इट दिस इज बॉटनी दिस इज केमिस्ट्री देन यू आर टॉकिंग देन यू आर अंडरस्टैंडिंग साइंस एज इट है लाइक बटन ऑलरेडी डिड यू शेयर द सेशन विद एवरीबडी या कुल यहां पे जो सेल्स हैं ये जोन आपको लंबाई में दिख रहा है दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तो वो जो कोन का आइसक्रीम कोन का बीच वाला पार्ट है ये आपको इसलिए लंबाई में दिख रहा है क्योंकि यहां पे सेल्स ने अपने आप को खींच कर लेंथ में बढ़ा लिया है कैसे बढ़ा लिया में length इसका जो फंक्शन है इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी दफा आ जाता है statement -based question काफी दफा आ जाता है एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ elongation यहाँ पे आपको क्या दिखेगा जब भी किसी प्लांट पार्ट में अक्सर एलोंगेशन और एनलार्जमेंट होनी होती है तो वैक्यूल अपने आप को स्ट्रेच करके लंबाई में डाल लेता है क्योंकि 90% परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सेल प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल तो यहाँ पे वैक्यूलेशन हो जाती है अब द सेल्स ऑफ द एलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मेच्योर होते 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 यहां पर जब इन सेल्स को चमकता है कि नाउ वी हैव टू ग्रो अप वी हैव टू डिफरेंशिएट वॉट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्रेंशिएट वेन यू स्पेशलाइज स्पेशन द सेल स्पेशलाइज देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दिस इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन ओके और जब ये डिफ्रेंसिएशन होती है तो प्लांट मेच्योर सेल मेचर हो जाता है तो इसलिए इस रीजन के भी प्रोक्सिमल कौन सा होगा हेंस द जोन प्रोक्सिमल टू द रीजन ऑफ एलॉन्गेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ सो यू नो वी आर मैच्योरेविंग फ्रॉम बेस वी आर मूविंग फ्रॉम बेस टू द टिप ऑफ द कोन नो सॉरी टिप टू द बेस ऑफ द कोन अगर मैं कोन की लैंग्वेज में बोलू इट इज द टिप ऑफ द कोन टू द बेस ऑफ द कोन दिस इज द बेस ऑफ द कोन ओके फ्रॉम दिस रीजन अब ये जो रीजन ऑफ मेच्योरेशन है आपके बालूज इतना फाइन डेलीकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट है पहला सवाल जो इसमें से आ जाता है इसको हम सातवा क्वेश्चन मार्क करेंगे और इसको हम आठवां मार्क करेंगे पहला ये क्वेश्चन आ जाता है कि रूट हेयर कौन से जोन से डिराइव है अक्सर जनता को लगता है रूट हेयर इज अ सेपरेट जोन बिल्कुल गलत बात है रूट हेयर फ्रॉम द जोन ऑफ मैचुरेशन लंबी मतलब सबसे पहली बात उसके बाद आपको एक पॉइंट तो ये हो गया दूसरा पॉइंट आपको जो मद्देनजर रखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है कुछ भी हो रहा है तो उसका फंक्शन है देखो रूट हेयर इज नॉट लाइक लैटरल रूट्स रूट हेयर इज नॉट लाइक जैसे प्राइमरी रूट ने सेकेंडरी रूट दी टर्सरी रूट दी रूट हेयर इज कमिंग आउट टू इंक्रीज द सर्फिस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन टू इंक्रीज द सर्फिस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन तीज रूट हेयर एब्जॉर्ब वॉटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल एब्जॉर्ब तो मेन रूट भी कर रही है है ना कई बार सेल्स ऑफ इलाशन जोन भी करना स्टार्ट कर देते हैं बट वॉट आर देख एरिया ऑफ एबजॉप शर्मीन हैज गिवन अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल शी सेड गाइज कंपेयर रूट है टू विलाई एंड माइक्रोविलाई इन आर इंटस्टाइन्स है ना तो आपके वो ियम या कुछ होता है है ना? तो के पर जो होते ब्रश लाइक ब्रश बोर्डर्ड एक्सपियर आई माइट बी रॉन्ग या मेरे को हो सकता है कि गलत बोल रही हूं मैं इट इज लाइक दैट टू इंक्रीज द सर्फिस एरिया ऑफ एब्जॉप है ना इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है इसमें से द सेल्यूलैरिटी ऑफ रूट हेयर सेल्युलरिटी ऑफ रूट हेयर का मतलब इज इट इज एवरी हेयर अ सिंगल सेल और अ डबल और अ मल्टी सेल ओके तो ये जो एक एक बाल है रूट का ये जो एक एक बाल है इट इज अ सिंगल सेल यूनि सेल्यूलर सो दीज थ्री पॉइंट अबाउट रूट हेयर कैन वेच यू वन वन एम सी क्यू विच जोन फंक्शन सेल्यूलैरिटी आई वी हैप्पी अबाउट दिस सुप्रीमली कियर ओके अच्छा इसमें से एक एम्स लेवल क्वेश्चन आता था विच इज हॉन्टिंग माई माइंड राइट नाउ अब उसके आने के चांसेस कम है बट वेन एवर देर इज अ बट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ ओके यार रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ द रूट इफ यू डोंट नो एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स देन आई मस्ट टेल यू दैट एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन इनफैक्ट हमारी भी अपर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है It is like the skin. So, root hair ka origin is from epidermis and not the deeper layers of the root. If I talk about lateral roots, people who have studied anatomy know they arise from pericycle of the root, which is quite a deep layer. इट इज आफ्टर एंडोडोमिसके सो देर इज एक्सोजिनस ओरिजिन देर इज एंडस ओरिजिन उस डिटेल में आप ना जाए लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखें कि ये जो रूट हेयर है इसको आप आराम से तोड़ लोगे इसकी कोई ज्यादा डेप्थ नहीं है वो सिर्फ स्किन से निकल रहा है प्लांट की जैसे आपकी स्किन पर बाल है, है ना उसी तरह से ही रूट हेयर है आपके एपिडर्मिस से निकल रहा है अब आ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट ओके मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हम अगली क्लास में करेंगे अगली क्लास में हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट करेंगे और स्टेम भी करेंगे इतने पोर्शन को आप एनसीआरटी से पढ़िए और जिस तरह से मैंने आपको पढ़ना सिखाया कि एक एक वर्ड से आप ढेर सारे मैसेजेस को निकाल लीजिए कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है डू दैट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की मैम एनसीआरटी तो ऐसे कभी पढ़ी नहीं थी या सो द गुड पार्ट अबाउट बायो की रणनीति सीरीज इज योर टेक अवे योर एक्सपीरियंस और जो दिमाग के कपाट खुलने वाली बात है जैसे शिवा बोलता है वो कपाट कुछ ज्यादा ही खुल जाते हैं so they, uh, let me tell you once again this bio ki Raniti series is not here to complete your syllabus and do the regular thing it is to you know wake you up in real sense to make you a topper to make you different from other people in the country so realize that responsibility take the maximum benefit and it will only happen if you read ncrt after the class i am coming live at 3 pm with a, another critical session which is based on ncrt diagrams okay so don't miss that session at any cost 3 pm live same place same person see you all okay chalo bye